उम्मवी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलक के जमाने में मूसा बिन नसीर शुमाली अफ्रीका के गवर्नर थे, जिसमें त्यूनस, त्राबलस, अलजजायर और मराकश शामिल थे। जब सबता के गवर्नर ने मूसा बिन नसीर को स्पेन पर हमले की तरगीब दी तो मूसा बिन नसीर ने खलीफा वलीद की इजाजत हासिल करने के बाद एक लश्कर तारक बिन जियाद की कयादत में स्पेन की तरफ रवाना किया। वादी लका में दोनों लश्कर आमने सामने हुए और 1 लाख के मसीही लश्कर को 12,000 मुसलमानों ने इबरतनाक शिकस्त देकर पूरे स्पेन पर कब्जा कर लिया। हश्याम सानी ने अपने 26 साल दौरे हुकूमत में हस्पानिया में उभरती हुई मसीही रियासतों के खिलाफ 50 से ज्यादा मुहिमात में हिस्सा लिया और कभी भी शिकस्त नहीं खाई। लेकिन 1002 ईस्वी में इनके इंतकाल के बाद स्पेन में मुस्लिम हुकूमत को जवाल आ गया और वो कई हिस्सों में तकसीम हो गई। मुसलमानों की बाहमी ना इतफाकियों के बाद वो ईसाई जो शमाली इंदलस के पहाड़ों में सिमट गए थे दोबारा दलेर हो गए। 1082 में अल्फांसो शशम ने कस्टील से अपनी तारीखी फतुहात के सफर का आगाज किया। ना अहल मुस्लिम हुक्मरानों में इसे रोकने की हरगिज भी सलाहियत मौजूद नहीं थी। 1085 ईस्वी में अल्फांसो ने बनु उमैया के दौर के दारुल हुकूमत तलीतला पर भी कब्जा कर लिया। शहर के अजीम बासियों ने 5 साल तक मसीहियों के खिलाफ भरपूर मजाहमत की, लेकिन बिला आखिर हिम्मत हार बैठे। अल्फांसो का अगला हदफ सारागोसा की कमजोर रियासत थी। मुस्लिम हुक्मरानों की नाअहली के मुकम्मल इदराक के बाद उलमा ने शमाल मगरबी अफ्रीका में दौलत मुराबतीन के अमीर यूसुफ बिन ताशफीन से राबता किया और इनसे इंदलस की डूबती हुई मुस्लिम रियासत को बचाने का मुतालबा किया। अशबिलिया, गरनाता और बादाखोज के काजियों ने यूसुफ बिन ताशफीन से मुतालबा करते हुए ये शर्त भी रखी कि वो मकामी हुक्मरानों की खुद मुख्तारी को बरकरार रखेंगे। यूसुफ बिन ताशफीन ने तमाम शरायत को तस्लीम कर लिया, जिसके बदले में इन्हें किला कायम करने और अपनी अफवाज को मुनज्जम करने के लिए साहली शहर अलजजायर से नवाजा गया। स्पेन पहुंचने के बाद यूसुफ बिन ताशफीन ने अपने 5,000 फौजियों को अलजजायर के किले में छोड़ा और 12,000 फौज के साथ अशबिलिया की तरफ रवाना हो गए। अशबिलिया पहुंचकर वहां उन्होंने 8 रोज कयाम किया। इन 8 दिनों में उन्होंने इंदलस के हुक्मरानों की जानब से फराहम करदा फौजी दस्तों की तरतीबो तंजीम को दुरुस्त किया और तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लेने के बाद 20,000 अफवाज के साथ शमाल की जानब रवाना हुए, जहां उनका टकराव जिलाका के मैदान में अल्फांसो शीशम के साथ हुआ। अल्फांसो की फौज में 80,000 शाह सवार, 10,000 प्यादे और 30,000 किराए के अरब फौजी थे। दूसरी तरफ यूसुफ बिन ताशफीन की 20,000 की मुस्लिम अफवाज में से 12,000 बर्बर और 8,000 मुकामी फौज थी। दोनों सिपा सालारों ने जंग से कबल पैगामात का तबादला किया। यूसुफ बिन ताशफीन ने दुश्मन को 3 तजावीज पेश की, इस्लाम कबूल कर लो या फिर जिजिया दो या जंग कर लो। अल्फांसो ने मुराबतीन से जंग को तरजीह दी। आखिरकार 23 अक्टूबर 1086 ईस्वी बरोजे जुमा सुबह सूरज निकलते ही अल्फांसो के हमले के साथ जंग शुरू हो गई। यूसुफ बिन ताशफीन ने अपनी फौज को 3 दस्तों में तकसीम कर रखा था। पहले दस्ते की कयादत अबाद सालस कर रहा था, जबकि दूसरे दस्ते की कयादत खुद यूसुफ बिन ताशफीन कर रहे थे और तीसरा दस्ता उन्होंने रिजर्व के तौर पर छुपा कर रखा था। दोपहर के वक्त तक अबाद सालस ही की फौज अल्फांसो का मुकाबला करती रही। इसके बाद खुद यूसुफ बिन ताशफीन अपनी फौज के साथ जंग में दाखिल हुए और अल्फांसो की अफवाज का घेराव कर लिया। जब मसीही फौज में अफरा तफरी फैली तो यूसुफ बिन ताशफीन ने सयाह फाम बशिंदू पर मुश्तमिल तीसरे दस्ते को हमले का हुक्म दे दिया, जिसने आखिरी और फैसला कुन हमला करते हुए जंग का फैसला मुस्लिम अफवाज के हक में कर दिया। मुसलमानों की फैसला कुन फतह का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मसीही लश्कर में से सिर्फ 500 सवार ही जान बचाकर भाग सके। इस जंग में अल्फांसो बुरी तरह जख्मी हुआ
और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग सका, लेकिन उसकी एक टांग जाया हो गई। इस मैदाने जंग को ज़िलाका के नाम से याद किया जाता है, जिसका मतलब है कि फिसलता हुआ मैदान, क्योंकि मार्के के रोज इस कदर खून बहा था कि अफवाज को कदम जमाने में मुश्किल होने लगी थी। इस तारीखी फतह के नतीजे में मजीद 300 साल मुसलमानों ने स्पेन पर हकूमत की। जंगे ज़िलाका के नाम से मारूफ ये लड़ाई इस एतबार से हस्पानिया की तारीख में अहम मुकाम रखती है कि मसीहियों की तरफ से मुसलमानों को जो जबरदस्त खतरा लाहक था, वो एक तवील अरसे के लिए टल गया था। अगर यूसुफ बिन ताशफीन मसीहियों का पीछा करते तो उनकी ताकत को मुस्तकिल तौर पर नाकाबले तलाफी नुकसान से दोचार किया जा सकता था, मगर उंदलस के हुक्मरानों की ना इत्तफाकी की वजह से उन्होंने वापसी का इरादा किया और अपनी 3000 फौज अशबिलिया की हिफाजत के लिए छोड़कर बाकी लश्कर के साथ अफ्रीका वापस लौट गए।